ठीक ठाक हो। ठीक है, आज का सीन कुछ इस तरह है। आज का ब्लॉग हमने तो आपने देख लिया होगा, हम आहत को जा रहे हैं छोड़ने अकेडमी। एक्चुअली ये 2.5 साल का हो गया और हमने कई जगह पर जो है स्कूल के बारे में सोचा था कि मैंने पहले ही सोचा था कि मैं इसे स्कूल में डालूंगी, पर स्कूल से पहले मैंने इसे ट्यूशन में डालना। एक मिनट, मेरा हाथ बड़ा दर्द हो रहा है। तो मैंने सोचा हुआ था, जब ये तकरीबन 1.5 साल का हुआ था, तब मैंने सोचा था कि मैंने इसको स्कूल से पहले इसे किसी ट्यूशन में डालना है ताकि इसे बैठने की आदत हो और जो है ना ये थोड़ा सा काम हो जाए, क्योंकि बिकॉज ये बहुत ज्यादा काम नहीं है, ये बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा जो है शरारते करता है। ये बात सुन लेता है लेकिन ये शरारती बहुत है और वो इसको बात नहीं सुनने देते वो चीजें। तो मैंने सोचा था कि मैंने इसको तकरीबन 6 महीने स्कूल जाने से पहले 6 महीने तो ट्यूशन में डालना ही डालना है। अभी सीन ऐसा है कि हमने इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो कंप्लीट कर लिए हैं सारे, जो भी स्कूल एडमिशन फॉर्म के साथ लगेंगे, लेकिन इसको अभी बैठना ही नहीं आता। तो ना ये बैठता है, ना ये सुनता है और ना ये, तो अभी 3 साल से पहले तो हम इसको स्कूल नहीं डालने वाले हैं। जब 3 साल का होगा तब ही इसको स्कूल डालेंगे, लेकिन इसका जो है सिटिंग और इसके अंदर डिसिप्लिन और इसके अंदर मैनर्स, क्योंकि अगर मैं इसको अभी नहीं एकेडमी में या ट्यूशन में दूंगी किसी के पास तो इसको पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये एक दिन भी हमारे से दूर नहीं रहा है। होता है ना कि बच्चे को कहीं छोड़ के हम चले जाएं, वो भी नहीं हमने किया, बिकॉज अंकल को पसंद नहीं है कि इसको कहीं पे भी छोड़े हम माँ बाप के बगैर ये कहीं पे भी रहे। तो जब अगर मैंने ये ना किया अभी तो ये फिर मुझे स्कूल में बहुत तंग करेगा, बार बार स्कूल से फोन आएंगे कि ये, मैंने खुद भी टीचिंग की है तो मुझे पता है कि बच्चे किस तरह से तंग करते हैं। अच्छा, मैं इसको खुद जो चीज़ सिखाती हूँ ना वो बच्चे कभी भी नहीं सीखते, ये मेरे से नहीं सीखते। मैंने सोचा कि अब अब्दुल्ला के साथ डिस्कस किया कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके साथ मैंने सोचा किसी लोकल स्कूल में डाल देती हूँ, 4-6 महीने वहाँ के एनवायरमेंट में घुल मिल जाएगा, तो फिर किसी अच्छे स्कूल में डाल देंगे। फिर अब्दुल्ला ने कहा नहीं, अभी स्कूल नहीं डालना है 3 साल तक, 3 साल का एटलीस्ट हो जाए, 6 महीने में और 3 साल का हो जाएगा तो फिर इसको स्कूल डालेंगे। अभी ऐसा करते हैं, इसको किसी ट्यूशन में डाल देते हैं जहाँ पे ये 1.5-2 घंटे के लिए जाए और इसको पता हो कि मैंने वहाँ बैठना है, वहाँ टीचर या जो भी इसको कंट्रोल करेगा उसकी बात सुननी है, एंड थोड़ा अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आना है और इसकी रूटीन भी थोड़ी बेहतर होगी। तो अब्दुल्ला ने अपने जिनसे वो पढ़ते थे उनसे बात की और उन्होंने कहा आप अपना बच्चा कर लिया है, हम इसको देखेंगे और बिठा देंगे। सो आज हम आहत को वहां लेके जाएंगे। मम्मी स्कूल जाना है आपने? यस रियली रियली यस रियली। तो अभी 4 बजने वाले हैं, 4 बजे को उन्होंने बुलाया, 4 बजे से 6 बजे तक उनकी अकेडमी होती है। ये 1 घंटा भी उनके पास बैठ जाएगा ना, तो विच इज वेरी गुड फॉर हिम और फॉर अस टू कंट्रोल हिम। तो अभी मैं पहले कपड़े चेंज करूंगी, फिर जो है तब तक इसको नहलाऊंगी, इसको चेंज करवाऊंगी, कपड़े चेंज करूंगी, फिर असर की अजान आके नमाज शायद मैं पढ़ूंगी, इसको देखेंगे छोड़ने जाने से। ठीक है, तो अब्दुल्ला को कहती हूँ चेंज वेंज करें, इन्हें इसे नहला धुला के चेंज करा के पोटी शोटी करवा के पिशी वगैरह करा के भेजती हूँ और थोड़ा काम करती हूँ। अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, अभी तो मैं खुद भी बहुत नर्वस हूँ कि मैं कैसे बिहेव करूंगी और ये वहां पे कैसे रुकेगा, बिकॉज इसको तो थोड़ी देर के लिए हम नहीं दिखते ना तो ये आवाजें लगाना शुरू करता है, मम्मी वेयर आर यू, डैडी वेयर आर यू। सो आई डोंट नो ये वहां पे घंटा भी कैसे बिहेगा। जान के अब सुन लिया ना इसने बात, तो अब ये मम्मी वेयर आर यू का नारा लगा रहा है। सो आई डोंट नो, आई एम वेरी कन्फ्यूज। फिलहाल इसको छोड़ने जाएंगे, इसको नहला धुला के तैयार करते हैं और अपनी नमाज पढ़ते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और अब्दुल्ला को भी कहते हैं कपड़े वगैरह चेंज कर लें और फिर चलते हैं। ठीक है, लेट्स मूव होते हैं, पर पहले से इससे कपड़े चेंज करवाते हैं। एंड अगर आप जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त फौरन से नोटिफिकेशन देकर
बताती जाएं कि जी वीडियो अपलोड हो गई है। तो चले अब हम अपना जो थोड़ा बहुत काम है इसको काम करने का वो करते हैं, ठीक है, और इसकी पैकिंग चेकिंग कर लेते हैं। चले जी, मैं तो तैयार हो गई हूँ और राहुल भी तैयार हो गया, नहा धो के फारिग हो गया, तैयार हो गया, और वो दूल्हा के साथ बाहर चला गया। उसकी ये पानी की बोतल भरूंगी, दूध उसने पिया ही नहीं अभी, पर कोई बात नहीं, पानी की बोतल भर के रखूंगी उसके इस बैग में, और थोड़ी बहुत बुक्स रख दी है। चलो चलते हैं, 4 बजे से ऊपर कहीं टाइम हो गया है, ठीक है, तो चलो चलते हैं। गो 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 गो, ये रखो ऊपर पाओ। हाँ, डाउन स्लाइड, गो फ्रॉम अप हेयर एंड डाउन फ्रॉम हेयर। चलो चलो जी, वेरी गुड, कम डाउन। हाँ जी, जाओ बेबी जाओ, देख के आओ बेबीज अंदर है, दे आर लॉट ऑफ बेबीज। चले जी, मैं और अब्दुल्ला तो घर आ गए हैं, आहद को वहीं पे छोड़ के आए हैं, और वो अभी तो बहुत खुशी खुशी गया है, मुझे नहीं पता वो क्या करेगा वहां पे, और मेरा दिल अभी से धक 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 कर रहा है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। और देखने मेरा कमरा भी खाली खाली लग रहा है, घर भी खाली खाली लग रहा है, घर में बिल्कुल इस टाइम सन्नाटा खामोशी, ऐसे जैसे आहत सो रहा है ही नहीं इधर। तो बाकी है, आई डोंट नो, अब्दुल्ला का भी आते हैं तो इनका भी रिएक्शन पूछते हैं। फिलहाल तब तक, जब तक अब नहीं आता तो मैं बिजी हो जाती हूँ, अपना काम करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। फोन नंबर दे आई हूँ, अगर तंग करेगा तो मुझे फोन वगैरह कर देंगे। चलिए जी, मैंने नमाज नमाज पढ़ ली है, और अभी ये कपड़े जो कल परसों धोए थे ये तो आगे में अंदर ऑलमोस्ट, और एक जो है वो पूरा टब भर के आहत के कपड़े हैं। अब मेरे ख्याल से पानी अभी नहीं आया, नहीं तो वो धोती, ठीक है, वो शाम को एक कूल लगा देंगे जब पानी आएगा। अभी फिलहाल ये तेल क्यों लगा लेते हैं, झाड़ू झाड़ू लगा लेते हैं और सफाई वगैरह करते हैं। मैं वेट कर रही थी कि शायद आहत के उधर से फोन आ जाए कि आए जी अपना बच्चा ले जाए, बहुत तंग कर रहा है, पर मुझे लग रहा है कि उनके साथ आहत सेटल हो गया, बिकॉज वो खेलने शुरू हो गया था, वहां पे झूले झूले थे और वो खुशी खुशी चला गया, बस हम सैड हो रहे हैं। अब्दुल्ला खाना नहीं खा रहे, वो कह रहे मेरा दिल नहीं कर रहा खाना खाने का, और मैं वैसे ही अंदर बार परेशान फिर रही, पर ठीक है, ये तो होता ही है, माँ बाप को ये करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं वो सुधरेंगे। चले ठीक है, अपना काम करते हैं। नहीं मेरी बात सुने, क्या आप खुद नहीं छोड़ के आए, मैं छोड़ के आई हूँ खालिया के लिए। नहीं बताएं क्या खाना बना दूं? नहीं, बस अभी उसको दे के आके खाऊंगा उसके बाद। क्या कर रहा होगा? खेल रहा होगा और क्या कर रहा होगा, रोता ही ना होगा। नहीं अगर रो रहा होता ना मैं अभी तक फोन कर चुकी होती। ये लोग सिर्फ, चलो यार इसी तरह उसकी आदत बनेगी बैठने की। हाँ अगर वो रो रहा होता ना तो उस टीचर ने अभी तक फोन कर दिया, लेकिन ये इनका टीचर्स का ये भी होता है कि ये कह देते हैं कि हम फोन कर देंगे, लेकिन ये करते कुरते कोई नहीं है, ये जब तक बच्चे को हैंडल कर सकते हैं वैसे तब तक करते हैं, तो वो कर रही होगी टेंशन। और वैसे भी आपका बच्चा तो रोया नहीं ना, उसको कोई डरना ना हो, वो तो खेलते कूदते चला गया, आप पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गया कि रोता हुआ जाए कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं करना, उसकी गार्ड से दोस्ती हो गई थी बेसिकली, उसने उसको खेल खिलाया ना, उसकी गार्ड से दोस्ती हो गई थी, अब वो उसको गार्ड को हर जगह ले लेके फिरेगा। चलो ठीक है, मुझे शेड हो रही हूँ, मैं मेरे से काम नहीं हो रहा यार, मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, सोच रही हूँ काम कर लो। अम्मी को मैंने वीडियो भेजी, आपको भेजी ना, मेरे को भी भेजी है। आती हाँ,
फोन करके मुझे तो रिएक्शन ले परेशान जरा। कर रहा हूँ जालिमा ने। अंकल अंकल क्या कह रहे हैं? अंकल ने कुछ कहा? अंकल देखो उसको भी पता ही नहीं है कि मैं कहां पे को हूं। भी भेज दूँ। अच्छा मैंने कहा है कि जाओ तो फिर गया है, उसके साथ जा नहीं रहा था कि नहीं मैंने नहीं जाना। अच्छा ये स्लाइड वाली है, स्लाइड ले रहा था। मैंने अपना काम कुम कर लिया सारा, क्लियर क्लियर कर लिया सब, सब क्लीन वगैरह कर लिया, सफाई कर ली है जितना मेरे से हो सकता था। बाकी मेरा दिल नहीं कर रहा था क्योंकि आहत के बगैर मेरा दिल ही नहीं लग रहा, घर खाली कर ही लग रहा है। अब हो गए हैं 5:45 तो मैं सोच रही हूँ आहत को ले आए, आज पहला दिन था तो इसलिए। तो चलो अब्दुल्ला को कहते हैं आहत को ले आते हैं, वो भी बहुत परेशान हो रहे और खाना नहीं खा रहे अभी तक, तो उसे लेके जाते आहत को, अब्दुल्ला को लेके जाते हैं और आहत को लेके आते हैं। ठीक है तो अब देखो पता नहीं वहां जाके पाएंगे वो के क्या हालात है। ठीक है चलो चलते हैं। Where's your school bag? Go get your school bag. Get your school bag. Where's your school bag? Yes. Water. Water bottle. Come, come, come. Let's go home. Wow. ले जाइए हम। हाँ तो ये खेलता रहा है बस। नहीं गया क्लास में। अच्छा। ज़्यादा तंग किया इसने। बस ऐसा। चाओ, चाओ। ले लो जल्दी ले लो फिर चले घर, घर चले फिर। लेट्स गो, कम कम कम, चलो आ जाओ, आओ चले घर, घर चलो, चले चलो चलो घर चलो, चलो चलो घर, चलो चले। मैं मैडम मेरे हाथ बट आली आहत रुको अंदर को भेज। लाइक स्कूल मैंने सही आइडिया दिया था ना, गरम हो रहा है, खाओ ईट, खाओ ईट करो, हॉट इधर रखो हॉट। पता जब हम लोग स्कूल जाया करते थे ना तो हमारे अब्बा हमें ऐसे ही जूस वापसी पे ये टैक्स होता था, खिला रहे हैं पिला रहे हैं। आज नौजी में जा रही है। सब पता है मेरे बेटे को। बस करो बस जल्दी से पियो फिनिश करो चले, दादा घर वेट कर रहे हैं। आहत को घर लेके आए थे और ये देखो यहाँ पे अब सो गया, वहां पे अब्दुल्ला सो गया, कार्टून देखते देखते सो गए। चले जी आहत को हम ट्यूशन से ले आए थे, एकेडमी से ले आए थे और बड़ा वो वहां पे खेल खेल के ही थक गया था, ये देखे सो गया बेचारा, दूध भी उसने फीटर भी नहीं पूरा पिया और सो गया था। मुझे भी नींद आ रही है लेकिन मैं सो नहीं है बिकॉज सब 8:30 हो गया, बट मैं इसको भी उठाऊंगी, ये भी 1 घंटे से सो रहा है। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द वीडियो सेक्शन। एंड बस आज ऐसे ही दिन गुजरा है, सैड सैड थोड़ा सा मेरा बिकॉज दिल नहीं लग रहा था, बड़ा मुश्किल होता है आहत या बच्चों को भेजना, और नहीं वो तो नहीं डरा बिल्कुल भी, यदि मैं और अक्सर डरे थे। मैंने अकेडमी में गार्ड से पूछा, गार्ड के साथ खेल रहा था वहां पर, मैंने गार्ड से पूछा कि ये रोया तो नहीं वहां पे, तो उसने कहा नहीं ये रोया शोया तो नहीं, ना इसने कुछ तंग किया जी है हमारी, बस चुप करके खेलता रहा, बैठा तो नहीं, पढ़ा लिखा तो नहीं, आज वहां बैठ के कोई पढ़ा चढ़ा तो नहीं आएंगे, सिर्फ खेलता रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, अपनी रूटीन में आ जाएगा। अब देखो पहली दफा ये माँ बाप के बगैर सोया भी कैसे हुआ, पहली दफा ये लाइफ में अभी तक 2 साल में 2.5 साल में पहली दफा ये हमारे बगैर कहीं पर रुका है,
चाहे वो 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। टीचर ने मुझे कहा था कि अभी आप 1 घंटे ही से बिठाए, तो बस वो 1 घंटे के लिए, लेकिन वो खेल खेल के और वो थक गए। चाहे उसने ना दिखाया हो, वो वहां पर ना रोया हो, उसने हमने वहां ना ढूंढा हो, पर बच्चा एक सैम सा जो जाता है ना, जब मैं इसे घर ले गई तो एकदम से खामोश हो गया था, बोलना बंद हो गया था। पता नहीं अब थकावट थी क्या था, मैंने बुलाओ का बच्चा, मेरा बच्चा खामोश हो गया, कहने लगे नहीं वो थक गया खेल खेल के। वही बात थी कि घर इसको लाई हूँ, ला के इसको थोड़ा सा इसने दूध छूट पिया है, खेला है थोड़ा सा, और फिर कार्टून देखते देखते सो गई। ये कार्टून फिर मैंने बंद कर दिए थे, या बैठा हुआ था सो रहा था। तो ठीक है, सो मिलते हैं अगले एक न्यू ब्लॉग में। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट इन द बिलो सेक्शन। एंड किसी अच्छे ब्लॉग में मिलेंगे। मुझे मेरे इस प्यारे से टींडे बेटे को दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने जो है उनको बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। बेटा थक गए, उठ जा मेरी जान। लाडो बेबी बेबी बेबी, गुड गुड, इट्स टाइम टू गुड योर। वेकअप वेकअप बाहर, वेकअप वेकअप। नहीं उठना, सोना नहीं है। रात को कैसे सोगे? रात को नहीं सोना, फिर कल स्कूल भी जाना है। स्कूल जाना, स्कूल है। उठ जाओ, शाबाश, जल्दी से।